नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्का किड्स चैनल में। आज की हमारी कहानी है मेंढकों की दौड़। चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज की कहानी की। एक बार मेंढकों के झुंड में दौड़ने की प्रतियोगिता आयोजित होती है। एक मेंढक सभी मेंढकों को दौड़ प्रतियोगिता के बारे में बताने जाता है। सुनो सुनो सुनो, हमारे यहाँ कल दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की है। जिस किसी को भी भाग लेना है वह कल 7 बजे सुबह उपस्थित रहे। ये संदेश वो सभी को बताता है। एक मेंढक जिसका नाम सुकू होता है, सुकू पेड़ पर लगाए हुए जाहिरात को पढ़ता है कि कल हमारे यहाँ सुबह 7:30 में दौड़ प्रतियोगिता है। सुकू बहुत खुश होता है और घर निकलता है। तभी कुछ मेंढक बातचीत कर रहे होते हैं कि कल की दौड़ प्रतियोगिता बहुत लंबी है, कोई भी इसे नहीं कर पाएगा। सुकू कुछ सुन नहीं पाता है और बड़े मज़े से घर जाता है। कल की प्रतियोगिता की तैयारी जो करनी है। फिर सुबह होती है और सभी दौड़ देखने और प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं। सभी मेंढक दौड़ को देखने पहुंच जाते हैं। सुकू भी दौड़ में भाग लेता है। मेंढकों की भीड़ जोर से चिल्लाती रहती है, यह बहुत कठिन है, कोई भी इसे नहीं कर पाएगा। बाद में रेस चालू होती है, सभी मेंढक दौड़ना चालू करते हैं। सुकू भी दौड़ता है। भीड़ जोर से चिल्लाती रहती है, यह बहुत कठिन है, कोई भी इसे नहीं कर पाएगा। दौड़ते दौड़ते तभी कुछ मेंढक कुछ समय बाद थक गए और उन्होंने हार मान ली। कुछ मेंढकों को देखकर बाकी मेंढक भी रुक गए। यह बहुत कठिन है, कोई भी इसे नहीं कर पाएगा। सुकू दौड़ता चला गया। उसने किसी की ना सुनी और ना हार मानी। दौड़ता दौड़ता सुकू आखिर रेस जीत ही गया। हर कोई मेंढक जानना चाहता था कि सुकू ने कैसे किया। हमारा सुकू बहरा था। कहानी की सीख है सततता। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।